नमस्कार, मैं हूं प्रियंका माथुर और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है और अब दूसरी का इंतजार है। कहा जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में भाजपा 3 से 5 सांसदों को उतारकर चौंका सकती है। भाजपा के 41 प्रत्याशियों की सूची में 7 सांसदों के नाम से पहली लिस्ट जारी होने के साथ ही इन सीटों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा विरोध झोटवाड़ा, विधाननगर और सांचौर में सामने आया। इन सीटों के दावेदारों में गुस्सा है कि उनकी बजाय सांसदों को टिकट क्यों दिया गया, किस आधार पर तय किया गया कि किस सीट से कौन सा सांसद लड़ेगा। खास बात यह है कि 7 में से 6 सांसदों को ऐसी सीटों पर दिया गया है जहां भाजपा पिछला चुनाव हारी थी। सबसे पहले बात करते हैं विधाननगर जोन के बारे में। दिया इकलौती सांसद है जिन्हें सेफ सीट मिली है। भाजपा ने बाकी 6 सांसदों को ऐसे सीटों पर उतारा है जहां पार्टी पिछला चुनाव हारी। वहीं राजसमंद सांसद दिया कुमारी को विधायक नरपत सिंह राजवी का टिकट काटकर विधाननगर से टिकट दिया गया है, जहां पार्टी पिछले 4 बार चुनाव जीत रही है। दिया कुमारी वर्तमान में राजसमंद सांसद है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के देवकी नंदन उर्फ काका को 5.5 लाख वोटों से हराया था। उन्हें 8,63,039 वोट मिले थे। ये उनका पहला लोकसभा चुनाव था। बात करते हैं झोटवाड़ा के बारे में। राज्यवर्धन को पूनिया से 1,15,000 ज्यादा वोट मिले थे। जयपुर शहर में होने के बावजूद लोकसभा चुनाव में झोटवाड़ा जयपुर ग्रामीण में आता है। 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कृष्णा पूनिया को 3,53,171 वोटों से हराया था। पिछले लोकसभा चुनाव में राज्यवर्धन को सबसे ज्यादा वोट झोटवाड़ा से ही मिले थे। झोटवाड़ा में लोकसभा चुनाव का परफॉर्मेंस देखकर ही पार्टी ने राजपाल सिंह का टिकट काटकर राज्यवर्धन को टिकट दिया है। अब बात करते हैं सांचौर के बारे में। जालौर सांसद देवजी पटेल को भाजपा ने सांचौर से प्रत्याशी बनाया है। देवजी पटेल 2009 से ही लगातार लोकसभा के चुनावों में जीत रहे हैं। सांचौर से विधानसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से उनका काफी विरोध हो रहा है। देवजी पटेल को लोकसभा के चुनाव में सांचौर सीट से 1,04,106 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के रतन देवासी को 86,319 वोट मिले थे। वोटों के इतने बड़े अंतर को देखते हुए पार्टी ने उन पर भरोसा दिखाया है। अब बात करते हैं किशनगढ़ सीट के बारे में। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी को भाजपा पार्टी ने किशनगढ़ विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशी बनाया है। सांसद भागीरथ चौधरी जनसंघ के समय से ही पार्टी से जुड़े हुए हैं। वे पहले भी 2 बार किशनगढ़ से विधायक रह चुके हैं। वे 2003 और 2013 में चुनाव जीते थे, जबकि 2008 का चुनाव हार गए। भागीरथ चौधरी को पार्टी ने 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़वाया था। तब उन्हें अजमेर से 8 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं रिजू झुंझुनवाला को 3,98,000 वोट मिले थे। भागीरथ चौधरी को लोकसभा चुनावों में किशनगढ़ से 1,20,000 वोट मिले थे। वहीं रिजू झुंझुनवाला को केवल 51,000 वोट मिले थे। ऐसे में पार्टी ने विधानसभा चुनावों में सांसद भागीरथ चौधरी पर ज्यादा भरोसा जताया है। बात करते हैं तिजारा के बारे में। अलवर सांसद बालक नाथ को तिजारा से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बालक नाथ को तिजारा से 87,814 भवन जितेंद्र सिंह को 57,076 वोट मिले थे। बाबा को तिजारा से टिकट मिलने के बाद पूर्व विधायक मावन सिंह ने विरोध शुरू कर दिया। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को यह हार का सामना करना पड़ा था। 2018 के चुनावों में बसपा से संदीप कुमार को 59,468 वोट मिले थे। वहीं दुर्रू मियां को 55,011 वोट मिले थे। संदीप कुमार को 44,057 वोट ही मिले थे। भाजपा प्रत्याशी 41,345 वोट लेकर आए थे और वो तीसरे नंबर पर थे। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर के बारे में। सवाई माधोपुर सीट से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को प्रत्याशी बनाया गया है। सवाई माधोपुर के साथ साथ दौसा करौली जिले में भी किरोड़ी का अच्छा प्रभाव पड़ता है। किरोड़ी ने पहला चुनाव 1980 में लड़ा था और 16 वोटों से हार गए थे। उन्होंने 4 साल कोर्ट में केस लड़ा था, फिर उन्हें कोर्ट के आदेश के बाद जीता हुआ घोषित किया गया था। 2013 में किरोड़ी लाल मीणा को दिया कुमारी से हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने अपनी पार्टी राजपा से चुनाव लड़ा था। अब बात करते हैं दूसरी लिस्ट के बारे में कि इनमें किन सांसदों के नाम हो सकते हैं। इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम हो सकता है, जो जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को भी भाजपा जोधपुर की शेरगढ़, सुरसागर या लूनी से चुनाव लड़ा सकते हैं। बात करते हैं सीपी जोशी के बारे में। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी को चित्तौड़गढ़ की किस सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है, ये अभी देखने वाली बात है। अब बात करते हैं अर्जुन राम मेघवाल के बारे में। बीकानेर सीट से लगातार 2009 से लोकसभा चुनाव जीत रहे अर्जुन राम मेघवाल को भी भाजपा विधानसभा चुनाव में मैदान में उतार सकती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।